I am Dr. Vikas Gupta. I am consultant neurosurgeon and neurointerventional surgery at Manipal Hospital, Dwarka. Today I will briefly talk about awareness of prevalence of stroke and its early treatment. Stroke is basically as similar to a heart attack. It is a brain attack. इसे हिंदी में अधरंग या लकवा भी कहा जाता है. आमतौर पे इसकी अवेयरनेस बहुत थोड़ी है. ये एल्डरली एज ग्रुप में होता है. रिसेंटली विद द चेंजिंग लाइफस्टाइल वी आर सीइंग इन यंगर पीपल आल्सो. द रिस्क फैक्टर्स आर ऑलमोस्ट द सेम. हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सेस ऑफ अल्कोहल एंड फ्यू कंजेनिटल कंडीशंस. बट हैविंग सेड दैट, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अवेयरनेस के लिए कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को देखें अपने परिवार में ना भी हो, आप रास्ता चलता हुआ किसी को देखें जिसकी एकदम आवाज़ गड़बड़ा रही हो, शरीर का आधा हिस्सा काम कर रहा हो या उसको वैसे चक्कर आके गिर गया हो, इट कुड बी ए सस्पेक्टेड स्ट्रोक. और स्ट्रोक का ट्रीटमेंट उसी तरह आज संभव है मणिपाल हॉस्पिटल में संभव है जैसे हार्ट अटैक का संभव है. मोटे तौर पे ग्रॉसली स्पीकिंग समझाने के लिए, जैसे हार्ट की आर्टरी बंद होने से हार्ट अटैक होता है, दिमाग की एक आर्टरी बंद होने से ब्रेन अटैक होता है, उसी तरह ब्रेन की आर्टरी खोली जा सकती है अगर मरीज समय पे हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके तो. तो ये जानकारी सिर्फ अवेयरनेस के लिए है कि कोई भी व्यक्ति जो सस्पेक्टेड स्ट्रोक का हो, अगर वो पहले 3 घंटे में 4.5 घंटे में हॉस्पिटल पहुँच जाए और वो टेक्निकली इवेल्युएट हो जाए, उसको दवा भी मिल सकती है. दवा से भी कुछ आर्टरीज खुल जाती हैं, कुछ आर्टरीज कैथलर में हमारे पास डिवाइसेस हैं जिससे खुल जाती हैं, उनकी आउटकम ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल होने की संभावना होती है जो आज से 5-6 साल पहले नहीं थी. जो उम्र भर के लिए बिस्तर पे या फिजियोथेरेपी डिपेंडेंट हो जाते थे, आजकल हम उनको इंडिपेंडेंट देखते हैं. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू स्टेट दैट पेशेंट मस्ट बी रश्ड immediately without wasting time, because time is brain.